क्या कर रहे हम? पानी भर रहे। धूप आ रही क्या? गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और 7 बज रहे हैं और पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और शिवरात्रि और नहाना भी है। सारा मूड खराब हो गया मेरा तो, मतलब मूड खराब नहीं है, मतलब गुस्सा चढ़ रहा है कि पानी क्यों नहीं आ रहा। और मुझे नहाना था, सारे सामने मंदिर है हमारे, तो सारे लोग मंदिर जा रहे हैं और मैं यहाँ पानी का इंतजार कर रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या जुगाड़ लगाऊँ कि मैं नहाने चली जाऊँ, तो देखते हो चलो कि आज क्या करना पड़ेगा मुझे पानी के लिए। मुझे एक दो बार से हम बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, पानी आता ही नहीं है, पता नहीं क्या ही पीछे से प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत गलत बात है। बात बात पे पानी क्यों रोक देते हैं? तो देखो ब्रश कैसे करना पड़ रहा है मुझे, तो पीने का पानी एक गिलास में मुझे ब्रश करना है। पानी अभी तक नहीं आया और आज शायद नहीं आएगा, तो बाकी देखते हैं। बाकी मैंने चाची से पानी लिया है तो नहाने के लिए मेरा तो हो जाएगा, लेकिन सारे काम कैसे होंगे बिना पानी के। तो यही सोचते सोचते मैं ब्रश करने लग गई कि क्या करा जाए कि पानी की प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। तो हम पहले जोई को ब्रश कर लिया, जोई को छत पे लेके चलते हो, तो इसलिए ये बाथरूम गंदा कर दे। चलो 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 जोई जोई। आज फिर से जोई बिल्ली बैठी थी छत पे। बाकी ये देखो ये टेंट लग गया यहाँ पे। आज हमारे घर में कीर्तन है और रोका भी है मेरा बॉय, तो इसलिए टेंट लग गया। बाकी देखो अभी और लगेगा, और आज ही पानी को जाना था। हमेशा जब तक कुछ होता है ना घर में, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तो पता नहीं सब नहाएंगे कैसे। और आज पूरा दिन पानी नहीं आएगा, मैंने चेक करा था गूगल पे, तो आज पूरा दिन पानी नहीं आएगा। देखो इसको तो अपने अलग ही मजे आ रहे हैं। बेटू कहाँ कर रहा है तू? आओ इधर आओ। तो भाई क्या क्या करना पड़ रहा है? तो सामने भैया वो अंकल रहते हैं ना जो घर बन रहा उधर, तो मैंने उनको बोला कि भैया पानी आप डलवा दो, तो हमें पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है डल जाएगा आपका पानी, तो चलो इसी पानी तो आ जाएगा फाइनली। तो चलो एक बार भैया एक मिनट आधी टंकी भरवा दो। टंकी में पानी पाइप नहीं पहुंच पाएगा, पाइप नहीं पहुंचेगा नहीं। तो फिर बाल्टी में भरवा दो, भरवा दोगे? नीचे आ रही हूँ मैं, नीचे से भरवा दो। चलो पानी का तो हो जाएगा, बाद अगर पानी आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ मंदिर जाने के लिए और मंदिर नहीं जा पा रही, तो चलो कोई बात नहीं, होती है भाई परीक्षा होती है। तो चलो चलते हैं नीचे, इसको तो कुछ नहीं करना। नोनू चलो, नन्नू चलो, देख कहाँ चली गई आ रही है जोई, कहाँ सुसु करके आ गई, पिटवाएगी मुझे किसी से ना। इधर इधर नहीं कर सकती थी, उधर ही करना था तुझे, चल जल्दी कर। ये पता नहीं किस किस की चड्डियां उठा के ला रही। अभी तू पागल लेके, तेरे को तमीज नहीं है क्या? रोहित की है ये, छोड़ दे ले। सबके सब ऊपर जाते रहे पानी भरवाने के लिए। क्या ये क्या हो गया पाइप? देखो ये वाला पाइप उनकी छत पे वहां लगेगा, वहां से यहाँ पानी आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन पानी की बहुत जरूरत है भाई, पानी नहीं होना चला जाएगा ये पाइप वहाँ तक, सामने वहाँ तक सीधा सामने। अबे आने तो दो, कैश तो करेगा, लेकिन मेरे को पता लगे नहीं वहाँ तक जाएगा। दो मैं यहीं से फेंक के मार, पानी समझ नहीं आ रहा वहाँ तक जाएगा पाइप की नहीं जाएगा। तू ऐसा कर, एक कितना नाप होगा इसको नाप के देख ले इधर ना। अरे बहुत लंबा, देखो ये तैयार हो गया पाइप फेंकने के लिए। आन तो दे भाई, आराम से फेंकना, कहीं पाइप के साथ खुद ही उधर उनकी छत पे चले जाओ। वाह, ऐसा ना फेंके सीधा टंकी में चला जाए। लोग मंदिर जा रहे हैं और हम यहाँ पानी भर रहे हैं, देखो मंदिर में भीड़ कितनी लगी हुई है। कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पानी भर रहे हैं।
वाह क्या थ्रो है। मम्मी आपको आने की जरूरत है भाई, ऊपर सारे ऊपर चढ़ गए। जा तू भी जाता था, कितना लिया चुका हूँ एक बार। क्या ये क्या वो खींचे खींचम खींची धोखा वाला हो। देखो ऊपर हमने इतनी मेहनत से टंकी में पाइप लगाया और नीचे आके मोटर चलाई तो पानी आ गया। बताओ क्या देख लो पाइप आता चले पाइप हटाते ही उनका पानी हमारा पानी चला जाए। क्या ही ड्रामा है भाई, मजाक सही हो गया आज तो सुबह सुबह। चलो अब नहा लेते हैं सारे आराम से। तो मैं नहा वहा आ चुकी हूँ बाहर सामान लेने के लिए। तो आज रोका भी है मेरा और कीर्तन भी है, तो इसलिए 16 श्रृंगार का सामान लेके जाना है माता का। तो यहाँ पे भैया ढूंढ रहे हैं श्रृंगार में क्या क्या सामान होता है, तो अभी तक कुछ ये सामान भैया ने ढूंढ के रखा है, तो अभी और देख रहे हैं क्या क्या रख सकते। बड़ा वाला भाई घर पहुंचे सामान भैया लेके चढ़ रहे। तो भाई बहुत ज़्यादा फटरी मतलब डर लग रहा है मुझे और घबराहट हो रही है कि ये सारे आ रहे हैं, लेकिन ना कुछ कुछ भड़क हो रही है आपस में, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और बाकी अभी मैं खीर बना रही हूँ, मैं ही रेडी नहीं हुई, सब रेडी हो रहे हैं और मेन मेरा काम है तो मैं ही रेडी नहीं हुई, मुझे रेडी होने के लिए अभी बाहर ही जाना है। तो अभी देखो ये खीर बन रही है यहाँ पे, तो ये खीर तो दरवाज़ा खोलना आ रहे हैं तो दरवाज़ा तो खोल। तो सब रेडी हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ बाल सेट कराने के लिए, तो चलो फटाफट से चलते हैं, यहीं पास में जाना है। तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही था ये सैलून, तो मैंने यहीं पे आके करा लिया सारा काम अपना। और कुर्ती मतलब जो सूट मैंने पहनना है उसकी कुर्ती मैं जैकेट के नीचे ही पहना है, क्योंकि फिर मैं चेंज करूंगी तो बाल खराब हो जाएंगे ना, तो देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं। तो इसे कराते हैं और घर चलते हैं। तो रेडी हो गया, मैंने फटाफट से अपना पूरा सूट पहन लिया है और पुज्जी मेरा मेकअप कर रही है कुछ टॉर्चर करते हुए मुझे। तो तो कुछ इस तरह से मेकअप चल रहा है और मैंने बाहर कुछ भी नहीं कराया, तो कुछ भी नहीं कर दिया सारी चीजें। बाकी फाइनल लुक दिखाते हैं मैं आपको थोड़ी देर में। इतना मत लगाइए तो जानबूझ के, ये नेचुरल कलर है, मतलब पूरा खानदान पागल है। तू मेरे मुंह में डाल दे कैमरा, मेरे मुंह में डाल दे। तो भाई कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बाकी मैंने अभी कल ही भाई से मारे देखो, और मेरा सूट वाले ने बोला कि इसमें बाजू अच्छी नहीं लगेगी, तो मेरे को ये हो रहा था यार कि कैसी लगूंगी मैं ऐसे देखूँ। तो अब बारी है काजल लगाने की, जो कि मुझसे यहाँ लग नहीं रहा है, पहले ही कुछ दिख नहीं रहा और ये फ्लैश और मारे जा रही है। जोई, तुझे भी काली बिंदी चाहिए? कोई और है? येलो लगा ले, काली दे। ओह माय गॉड, ज्यादा हो गया ना, मस्त लग रही है भाई। दिखा मैं लाऊं बाली, यही रहने दे यार, मेरी चांदी की कोनी नहीं ले, इसको लगा ले भाई लाइनर। नहीं लगाऊंगी ना लाइनर से, आंखें छोटी करती है। तुझे नहाने का आदल तो लगा, तुझे सिखा रही हूँ, सुने ही नहीं ना, उनसे सीख के आई हूँ। अरे मतलब काजल से आंखें छोटी हो जाती है लाइनर से, जिनके ना ऊपर का हिस्सा तेरा जैसे नहीं दिखता, तो तुझे सिर्फ ऐसे काजल। अबे ये ले ले, बंद कर दूँ। हाँ का स्ट्रगल मतलब साफ दिखता है वंशी भैया, मेरे को बाल लगवाना है शीशा। तो काजल मेरा लगा नहीं था और फिर मुझे देखो किस तरीके से काजल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में शीशा ही नहीं मिल रहा मुझे कोई ढंग का। क्या ही बोले,
फाइनली हम सारे मतलब सारे रेडी हो चुके हैं, सारे रेडी हो चुके हैं, बस जो मेन गेस्ट है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो मेरे को गुस्सा भी चढ़ रहा है, अभी बहुत सारी चीजों पे चढ़ रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी बाकी मैं कैसे करती हूँ कमेंट में बता देना। आज दिन भी आई है, पता ही है हमारे घर के साथ में रहती थी और हमारे साथ स्कूल जाती थी, अभी शिफ्ट हो चुके हैं। बस चिक्की नहीं आई है और वो चिक्की ब्लॉग में ही देख लेगी सारी चीजें, तब उसके लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे। ओ, इतना इंतजार करने के बाद फाइनली जो मेन गेस्ट है वो आ चुके हैं। तो मम्मी तैयारी कर चुकी थी गेट पे खड़े होके, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू वाली फीलिंग आती है ना, कि आप उस दिन थोड़ा स्पेशल फील कर रहे थे, तो उस टाइम मेरे को ऐसे ही लग रहा था जैसे आज मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। फिर जैसे ही सारे आए उसके बाद चालू हो गई रोके की तैयारी। तो यार सच्ची बताऊँ मेरी फीलिंग क्या है, मैंने कभी सर पर चुन्नी गुरुद्वारे में भी नहीं रखी, गुरुद्वारे में भी जो लड़के कपड़ा बांधते हैं मैंने हमेशा वही बांधा है, और आज जब मेरे सर पर चुन्नी है ना मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना, मतलब मेरी फीलिंग वो लोग समझ सकते हैं जो कभी ऐसे तैयार व्यार नहीं होते। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, मतलब मिक्स फीलिंग हो रही थी, इमोशन ही सारे मिक्स हो गए थे। और सारी चीज़ें होने के बाद एक टाइम तो ऐसा आया कि सब इतना चुपचाप बैठ गए थे, बिल्कुल सन्नाटा, और मेरे दिमाग में सिर्फ यही चले जा रहा था कि खाना कब मिलेगा, भूख लग रही है, कब तक ऐसे बैठना है, और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और फिर आए मेरे पापा, तो पापा को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चल नहीं सकते पापा, तो पापा को इस तरह से लेके आना पड़ता है। और फिर आपस में सबने बात बात करी, हाथ बात मिलाए जैसे नॉर्मली होता है, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो हमारे कैमरा मैन है इन्होंने कैमरे के साथ बड़ा खिलवाड़ करा है, टेढ़ा मेढ़ा करके पता नहीं क्या ही बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र है कि बना दिया। आप देख ही सकते हो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है सामने, क्योंकि मेरी आंखों पे आधे तो बाल थे, बची कुछ ही कमी मेरी चुन्नी ने पूरी कर दी थी। तो जब मैं सूट लेने गई थी तो चुन्नी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो अब ठीक है चलो जो भी एडजस्ट कर लेती हूँ, बार बार सुन चुन्नी खिसक रही थी लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लिया मैंने जैसे तैसे। बाकी आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैं कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब ये वाला रूप मेरे पे कैसा लग रहा है। ओ, सारे अपना यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ मैं शायद पैसे गिनने में लगी थी। ऐसा मत सोचना मैं पैसे नहीं गिन रही हूँ, मैं सारी चीजों को असेंबल कर रही हूँ। बाकी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मेरा यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज हो चुका है और हर कोई मेरी फोटो खींचने जाता है। तो ठीक है अपने अपने इमोशंस हैं। और सारी चीज़ें नीचे कंप्लीट होने के बाद हम सारे आगे छत पे, तो छत पे कीर्तन हो रहा था और बाकी सारे नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। चलो चलो भाई, इतने सारे लोग बैठे होते लेकिन फिर भी कैमरा पकड़ने के बाद भी मैं नाचने का मौका नहीं छोड़ती। तो यहाँ यार हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि कीर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती थी कि कीर्तन हो, तो अब कीर्तन हो गया। हालांकि मुझे इस बात के ऊपर बहुत डांट भी पड़ी और बाद में भी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल चुका था और ऊपर नीचे करने की वजह से सब थक चुके थे, लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला हो गया कीर्तन भी, और मैं चाहती थी तो कीर्तन भी हो गया, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। बाकी डांट का क्या है वो तो मैं खाती ही रहती हूँ, मेन बात तो यह ना कि भाई ब्लेसिंग्स चाहिए थी और वो मिल चुकी है।
पर नाचते नाचते मैं लोगों को टॉर्चर ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे लोगों को नहीं, यहाँ मैं अपनी मम्मी को टॉर्चर कर रही थी। तो देख लो भाई ऐसा भी करती हूँ मैं। मम्मी को बहुत देर से बोल रही थी कि डांस कर लो तो मम्मी कर ही नहीं रही थी, तो फाइनली मैंने उनको खींच के बुला ही लिया। मेरा इतना टॉर्चर करना मम्मी को कामयाब रहा। अब मम्मी आ गए बिल्कुल फ्लो में, अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इन सब की एक ही फीलिंग है इस टाइम पे, कीर्तन में लास्ट में होनी थी गोद भराई, तो गोद भराई किसी की भी हो सकती है, तो आज मेरा दिन था तो मेरी ही गोद भराई कराई। तो इस तरह से चुन्नी उड़ाते हैं और उसके बाद जो श्रृंगार वगैरह होता है वो सब दिया जाता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। तो बहुत ही पॉजिटिव फील करी थी मैं। तो बाकी आप देखो और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ऐसी सिचुएशन में भी बैठने के बाद मेरा ध्यान सिर्फ अपने व्लॉग की तरफ है कि भाई वीडियो ढंग से बना दे। तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद मैं होगी खड़ी, क्योंकि सामान तो मुझे मिल ही चुका था, तो अब मेरा क्या काम। तो मैंने आशीर्वाद लिया माता रानी का और उसके बाद साइड हो गई। और फिर इसके बाद में मुझे पता चला कि इतना नहीं हुआ है, अभी मेरे लिए एक गाना भी मतलब वो करा जाएगा, क्या कहते हैं उसे, डेडिकेट करा जाएगा। है तो माता का भजन ही, लेकिन मेरा दिन है तो मेरे लिए ही गाना हो गया, तो चलो ठीक है। और बाकी मैंने आपको कहा ना, यहाँ मेरे को आज फीलिंग आ रही है प्रॉपर जैसे मैं बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हूँ और एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मुझे। बाकी स्वैग देख रहे हो आप लड़की का, बैठे बैठे भी पूरे ब्लॉग पे फोकस है और मुझे अपने आप पर इतनी हंसी आ रही है ना इस बात पे कि मतलब मेरा पूरा फोकस था कि मेरा ब्लॉग खराब ना हो जाए। तो सारे भजन गा रहे थे और भजन तो खैर मेरे लिए ही गाया जा रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मैं सिर्फ बैठ के तालियां मारने लगी। फाइनली कीर्तन हो चुका है और अब प्रसाद भी मिल गया मुझे, सबको भी मिल गया, सारे अपना प्रसाद यहाँ पे इनका लग चल रहा है। तो देख लो सब मुझे गालियाँ दे रहे थे और अब यही है प्रसाद टूस रहे थे ये। तो इसी के साथ सारे मतलब आज का पूरा फंक्शन होता है खत्म और सारे जा चुके हैं और जगह हुई खाली और बड़ा मजा आया ना अंत, मतलब पहले तो हम सारे बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे थे भागम भाग में, लेकिन लास्ट में इतना मजा आया सबको बहुत मजा आया, सारे ऊपर आ गए थे। मुझे नहीं आया। क्यों? मुझे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि नाच नहीं सकती। कोई नहीं, आगे के फंक्शन है ना। अभी यहाँ पे दो छोटी दीपा या दीपू आने वाला है, तो इसलिए अभी डांस नहीं कर सकती ना। तो कोई बात नहीं, अब आगे जब इसका ये दीपा बाहर आ जाएगा तब ये सारा सामान नीचे लेके जाना है एक करके। निश्चय तो आसान वाला उठा ले, डैक यहीं पे रखे रहना। हाँ डैक, अरे चाचा चल तू, सुन इसे मत छोड़, इसे कल्ला छुटा घेर देगा बुआ ये, घेर तू कल्ला छुटा। तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई और यहाँ मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से यहाँ हो रहा है नाच गाना। ये लगाना रिपीट, सीधा रिपीट, 20 मिनट कंपनी दूंगी सबको। Yeah.
छत पे लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जम के डांस करा। जम के मतलब जम के, हम भूल चुके थे कि सुबह कितना टॉर्चर हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ भूल गए थे हम। हम सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। तो हमेशा हमें यही करना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, आप बस हाथ उठाओ और बहते रहो, देखी जाएगी जो होना होगा वो होगा। थके आ रहे हम सारे नीचे आ गए, लेकिन यहाँ पे नीचे आने के बाद भी इन सबका खत्म नहीं हो रहा था कि भाई कुछ कुछ रीजन महाशिवरात्रि की भांग भी थी। तो जी हाँ, आधे जनों ने भांग चढ़ा रखी थी, तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा, लेकिन मुझे थकान का नशा था, भांग का नहीं। नीचे को देखो, अबे देखो क्या बना रहे। लास्ट मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी बहन इस चीज को लेके स्ट्रगल करने ही वाली है, तो इसके सूट फंस चुका था जो कि निकल नहीं रहा था। अबे सूट उतार रखा। तो फाइनली मेरा रोके वाला व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो सारे मेरे को बोल रहे थे कि कब अपलोड करेगी। हालांकि आज तक इन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि व्लॉग अब कब अपलोड करेगी। आज जब इस व्लॉग में ये सारे है ना, तो हर कोई मुझे मैसेज करके पूछे जा रहे हैं कि कब आएगा व्लॉग, कब आएगा व्लॉग। तो अब मैंने व्लॉग फाइनली अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग और मैं भी कैसी लग रही हूँ, और अपनी ब्लेसिंग्स भी देना। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अब तो अब वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून और कंटिन्यू करना, सारे व्लॉग देखते रहना, वरना फिर इधर उधर कहानी हो जाएगी। तो मेरा नाम मत लेना कि हमें समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती है।